बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेले का आज 10वां दिन है और इसके साथ ही खाटू श्याम का फाल्गुन में लक्खी मेला परवान पर भी है। लखदातार के दरबार में लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं आज बाबा श्याम का एकादशी का मुख्य मेला भी है। वार्षिक लक्खी मेले पर श्रद्धालुओं का रिंगत से खाटू धाम तक लगातार कारवां जारी है। कतारबद्ध होकर श्रद्धालु बाबा श्याम का दीदार कर रहे हैं। आज बाबा श्याम का एकादशी का मुख्य मेला है। खाटू धाम के रखवाले बाबा श्याम आज नगर भ्रमण पर हैं। साल की सबसे बड़ी एकादशी के मौके पर आज बाबा श्याम का फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया है। सुबह 7:45 पर बाबा श्याम की भव्य आरती उतारी गई। रिंगत से खाटू नगर तक भक्तों के जत्ते नजर आ रहे हैं। हर तरफ बाबा के भजन और जयकारे सुनाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग देश भर से खाटू पहुंच रहे हैं। सुबह 11 बजे बाबा श्याम रथ में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले हैं। बाबा श्याम की रथ यात्रा सुबह मंदिर से शुरू हुई। यह शनि मंदिर अस्पताल चौराहा पुराना बस स्टैंड होते हुए कबूतर चौक तक जाएगी। इस दौरान श्याम का खजाना भी भक्तों में लुटाया जाएगा। इस दौरान 350 सीसीटीवी कैमरे और 16 ड्रोन कैमरों से निगरानी भी की जाएगी। वहीं भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन के लिए 17 किलोमीटर लंबे जिगजैग से निकलना होगा। इससे पूर्व मंगलवार शाम तक करीब 25 से 30 लाख भक्तों ने दर्शन कर लिए थे। आज भी मुख्य मंदिर की ओर जाने वाली सभी लाइनें में भारी भीड़ नजर आ रही है। इस वर्ष के मेले में करीब 10 देशों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। सीकर रेंज आईजी सत्येंद्र सिंह ने खाटू श्याम मंदिर के भवन की छत पर अन्य पुलिस अधिकारियों से मेले की सिक्योरिटी के इंतजामों को लेकर चर्चा भी की। वहीं खाटू श्याम मंदिर के पास एक इमारत पर श्रद्धालु नाचते गाते भी दिखे। मंदिर परिसर के पास रथ यात्रा की तैयारी के लिए ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं। एकादशी के मुख्य मेले के चलते मंदिर प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। सुरक्षा के लिए 5,000 पुलिसकर्मी तैनात है। वहीं पर करीब 350 सीसीटीवी कैमरे और 16 ड्रोनों से कैमरों से निगरानी की जा रही है। सादा वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात है। जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी और SP भुवन भूषण यादव खाटू श्याम जी में ही मौजूद हैं और लगातार व्यवस्थाओं को जायजा ले रहे हैं। सुबह मेला मजिस्ट्रेट गोविंद सिंह भीचर और मंदिर कमेटी अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने प्रत्येक पॉइंट का अवलोकन किया। उन्होंने CCTV कंट्रोल रूम से घंटे भर में प्रत्येक प्रभावित पॉइंट का निरीक्षण करते हुए उचित दिशा निर्देश दिए। ऐसे में लखदातार के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। कस्बे की हर गली में श्याम के जयकार के गूंज रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक आज खाटू श्याम जी के दर्शनों हेतु 25 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे। यही कारण है कि प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। भक्तों से खचाखच खाटू हारे के सहारे के जयकारों से गुंजायमान हो रहा है। मंगलवार को बेंगलुरु से मंगवाए विशेष गुलाबी फूलों से श्याम धनी का विशेष श्रृंगार किया गया। मेले में भारी भीड़ के चलते बाबा के दर्शनों के लिए 24 घंटे मंदिरों के पट खुले हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर परिसर के और उसके आसपास के क्षेत्र में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। CCTV के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है।